हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टैरो क्लैनर चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू इंटेंशन और वो इस रिश्ते को लेके अब क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है इस रिश्ते को लेके, आपको लेके दिखने वाले हैं। एक कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, सभी के लिए की जा रही है, किसी एक पर्सन को लेके ये रीडिंग नहीं हो रही है। तो आप किसी भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग व्यूअर्स, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड व्यूअर्स, एक बात का ध्यान रखें, इस रीडिंग को आप कोई भी किसी भी राशि के लिए देख सकते हैं। रिश्ता आपका चाहे जैसा भी हो, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल हो, आप किसी भी तरह से डील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है, चाहे आपका पार्टनर मैरिड है, आप सिंगल हो, आप सिंगल, आप मैरिड हो, आपका पर्सन सिंगल है, इस तरह से भी हो सकता है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या किसी और तरह से आपके पर्सन का संबंध हो सकता है आपके साथ में। तो वैसे इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं, ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये एक ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके पर्सन चाहे जिस भी राशि के हो, आप किसी भी राशि के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूअर्स, तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं वो इस रिश्ते को लेके अब क्या सोचते हैं, वो इस रिश्ते को लेके अब क्या चाहते हैं, जो मेरे व्यूअर्स के साथ में उनका रिश्ता है, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं उनकी ट्रू एनर्जी क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव मैनिफेस्ट, नंबर वन की एनर्जी है, नंबर थ्री नर्चर एंड बैलेंस, सीकिंग द ट्रुथ एंड डार्क फियर। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स इन कार्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। Refusing to see, shine, strengthening, vitality and rebuild। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करती हूँ। बॉटम से हमारे पास डस्ट आता है, जीरो नंबर, एंड यहाँ से एम्बरेंस। ओ माय गॉड, सो वी हैव बहुत ही पावरफुल एनर्जी गाइस, इसको हम बोलेंगे जीरो से 21 की जर्नी। अगर आप टैरो को थोड़ा सा भी जानते हो, समझते हो, तो एक जो जर्नी शुरू होती है, ठीक है, टैरो की, वो ज़ीरो से शुरू होती है और 21 पे जाके वो कम्प्लीट होती है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ कम्प्लीशन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमें नज़र आता है कि सो मैं थोड़ा सा कार्ड आपके लिए कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। आपको सब कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ये दो कार्ड वो वाले हैं जो हमने बॉटम एंड अप साइड से लिए हैं, ठीक है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे एनर्जी गाइस फील हो रही है वो ये कि आपके पर्सन के लिए, देखो, दो यहाँ पे सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एक, या तो आपके पर्सन के माइंड के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी बैठ गई थी या कुछ ऐसे इल्यूज़न आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे क्रिएट हो गए थे, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ना, वो आपकी रियलिटी देख नहीं पा रहे थे कि आप हो क्या, आप इस पर्सन के लिए क्या हो, इस पर्सन के साथ में जो आपका रिश्ता है वो क्या है, ठीक है। आप इनके लिए क्या मैटर रखते हो, आप इनके लिए क्या कर सकते हो, या फिर ये रिश्ते की असलियत क्या है, ठीक है। समवेयर जैसे कि कुछ इल्यूजन सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरा आस्पेक्ट व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन एक समय के बाद में इस रिश्ते को चलाने से मना कर रहे थे, ठीक है। उनको ऐसा लगने लगा था कि ये रिश्ता उनके लिए एक बर्डन सा बन गया है, जहाँ पर वो मतलब बेहतर फील नहीं कर रहे हैं। उनके लिए ये रिश्ता चलाना, आगे इन फ्यूचर लेके चलना, समवेयर इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, आने वाले फ्यूचर में भी आ सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह से
जैसे कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये सब इन चीज़ इस पर्सन के दिमाग में था, इस पर्सन ने मे भी हो सकता है आपसे इन चीज़ों को लेके डिस्कस ना किया हो, या फिर आपके बारे में जो भी इस पर्सन के मन में बातें बैठ गई थी वो समवेयर कुछ नेगेटिव थॉट ही मुझे नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि वो पास्ट एनर्जीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है जो दिखाती है कि आपका एक रूप जो है इस पर्सन के मन में मतलब बहुत ही डिफरेंट हो गया था, जिसके साथ में वो रहना नहीं चाहते थे या जिसके साथ में वो रिलेशनशिप अपना कंटिन्यू करने में हिचकिचाहट दिखा रहे थे। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि रिश्ता सिर्फ खींचा जा रहा है, ज़बरदस्ती का खींचा जा रहा है। सुनने में आपको मे बी हर्ट हो सकता है, बट यस कहीं ना कहीं रियलिटी है वो एक समय के बाद में। देखो शुरू में तो आप दोनों का रिश्ता मुझे बहुत अच्छा नज़र आता है कि आप लोग रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते हैं, शुरू के टाइम के अंदर एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, एक दूसरे को प्यार बहुत अच्छा से मिलता है, केयर बहुत अच्छे से मिलती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम में भी कुछ ईयर्स लेटर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। ठीक है, प्रॉब्लम थी बैलेंस क्रिएट करने की, वो आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। मे बी समवेयर कुछ अदर फैक्टर्स भी यहाँ पे नज़र आते हैं जो दिखाते हैं कि सबको साथ लेके चलना या एक इस रिश्ते को बैलेंस में लेके चलना, ठीक है, जैसा चल रहा था वैसा चल लेके चलना समवेयर संभव नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इस पर्सन को लग रहा था कि यार ये रिश्ता बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं और इस रिश्ते की वजह से इनकी खुद की लाइफ में भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो व्यूवर्स यहाँ पे बर्डन हुआ है, आपको भी फील हुआ होगा कि ये पर्सन समवेयर अब वैसा नहीं रहा या वैसा नहीं रही जैसा ये पहले हुआ करती थी, इसका मूड बदल गया है, इसका नेचर बदल गया है, अब इस रिश्ते को लेके कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, कुछ ऐसा ही आपको भी फील हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें आपको फील नहीं हुई होंगी या फिर मैं जो बोल रही हूँ आपके साथ में हुआ नहीं होगा, बिल्कुल क्या आप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना तो सीधे सीधे एनर्जी गाइज एक ही दिखाई दे रही है कि बहुत सारा कहीं ना कहीं बर्डन रहा है इस कनेक्शन के अंदर, और उस वजह से ये जो पर्सन थे वो अनदर आस्पेक्ट जो आप इस पर्सन को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आप इनसे कुछ कह रहे थे, आप इनको कुछ बताना चाहते थे या फिर आप इनको कुछ दिखाना चाहते थे, बट आपके पर्सन उस रियलिटी को देख ही नहीं रहे थे। ठीक है, आप इनको कुछ ऐसा दिखा रहे थे कि यस आप ये रास्ता अप्लाई कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ठीक है, या फिर इस कनेक्शन का ये आउटकम हो सकता है या फिर हमारा रिश्ता इस तरह से चल सकता है, तो कुछ ना कुछ आप दिखा रहे थे बट आपके पर्सन इन चीज़ों को देख ही नहीं रहे थे। ठीक है, वे मे बी समवेयर उनको आप पे बिलीव नहीं था कि आप जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो या फिर गलत कह रहे हो, ये आपकी पावर को नहीं समझ पा रहे थे या फिर आपके थॉट जो भी थॉट प्रोसेस था आपका, आपके पर्सन उनको नहीं समझ पा रहे थे। तो समवेयर इस पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया कि अब मैं ये रिश्ता लेके नहीं चलूँगा या फिर मुझे इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, ये रिश्ता मेरे लिए बर्डन बन चुका है। समवेयर आपको ब्लॉक करना, अवॉइड करना, आपसे दूर या बढ़ा लेना, क्योंकि आप दोनों में हो सकता है कि भाई बैलेंस क्या था, मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट में बदल चुकी होगी। तो ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर, जो पर्सन उस वक्त आपकी बातों को इग्नोर कर रहे थे, आपके लव को इग्नोर कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब आके जो पास्ट में नहीं हुआ वो अब आके मुझे होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं इस पर्सन को अब करेंटली अगर देखूं तो जो पर्सन हार चुके थे इस कनेक्शन को लेके, अपने घुटने टेक चुके थे, वो कह चुके थे आपसे कि यार अपना रास्ता कोई और देख लो, मेरे रास्ते अलग हैं तुमसे, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते आज से जुदा होते हैं, हम दोनों का भविष्य एक दूसरे के साथ में नहीं है, अगर तुम मेरे साथ में नहीं रहना चाहते तो बेशक यू कैन मूव ऑन, अदरवाइज़ मैं तो मूव ऑन कर ही रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें रहना है, तुम रुको, पीछे पड़ना है पढ़ो, अदरवाइज़ मैं चला या मैं चली। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइस दिखती है कि आपके साथ में ये सब चीज़ें हुई होंगी, बट करेंटली व्यूअर्स यहाँ पे जैसे मैंने बोला था एक जर्नी है यहाँ पे जो आपके कनेक्शन में मुझे अचीवमेंट की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये क्या दिखाती है, 0 से नंबर 21, और ये टैरो के मेजर अरकाना की जर्नी का लास्ट कार्ड होता है और ये शुरू का कार्ड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स जैसे कि एक अगेन एक एम्बार्क हो रहा है, एक अगेन एक प्रारंभ हो रहा है आपके कनेक्शन में, क्योंकि ये जो पर्सन उस समय नहीं देख पा रहे थे रियलिटी को, इस कनेक्शन को, आपके प्यार को नहीं देख पा रहे थे, है ना, ये एनर्जी गाइस देख रहे हो बॉटम से जो आ रही है हमारे पास, ये इस कार्ड के
जस्ट नीचे की एनर्जी ऐसे, है ना। तो एनर्जी गाइज ये देखा जा सकता है कि ये जो पर्सन है ये उस वक्त आपके रिश्ते से भाग रहे थे, पीछा छुड़ा रहे थे, एंड कर दिया था, ठीक है, समवेयर आपको रिजेक्ट कर दिया था, आपकी सच्चाई को नहीं देख पाया था। जैसे कुछ हो सकता है कि आपके बारे में कुछ इस पर्सन को भ्रम भी हो गया हो, इल्यूजन भी हो गया हो, कुछ नेगेटिव बातें इस पर्सन के मन में आपको लेके बैठ गई हों, ठीक है। तो आज मैं इस पर्सन का कन्फ्लिक्ट किसी तरह का जो इस पर्सन के दिमाग में था इस रिश्ते को लेके आपको लेके वो रिलीज़ होता हुआ देख रही हूँ सबसे पहले, और एक नई उम्मीद के साथ में, जैसे नई एनकरेजमेंट, नई सोर्स, नई पावर, नए एक्साइटमेंट, नई एनर्जी के साथ में मुझे ये जो पर्सन है इस कनेक्शन को लेके, इस प्यार को लेके, मतलब कहते ना एक शुरुआत करते हुए नज़र आते हैं फिर से, अगेन दे कैन फील द एसेंस ऑफ दिस कनेक्शन। और मुझे यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस रिश्ते पे जैसे बहुत विश्वास कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। क्या विश्वास कर रहे हैं? कि ये जो कनेक्शन है ये सक्सेसफुल ज़रूर होगा, और इसी कनेक्शन में ही कहीं ना कहीं जैसे उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, इसी कनेक्शन के साथ में आपका जो भाग्य है वो जुड़ा हुआ है, ऐसा आपके पर्सन यहाँ पे फील करें। यानी ये जो है, ये जो कार्ड है व्यूअर्स, ये इस तरह से अगर आप देखें तो एनर्जी गाइज यही दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये धीरे 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 घूम के वो आप ही के पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये इस कनेक्शन को लेके बहुत ही होपफुल हैं, बहुत ही जैसे एक्साइटेड हैं, और इस पर्सन को जैसे अब परवाह नहीं है और अनदर चीज़ों की, या जिन चीज़ों को लेके आप बहुत, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहे थे, अब वो परवाह क्यों नहीं है, उसका रीज़न व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने डार्क फियर को यहाँ पे जैसे फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये कार्ड व्यूअर्स देख लो कितना हैवी हो गया मेरे लिए उठाना भी, जबकि इट्स नॉट सो हैवी, ये कार्ड हैवी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी है, और ये दिखा रहा है व्यूअर्स ये जो पर्सन है ना ये अपने उन सारे फियर फैक्टर पे मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे उनसे धीरे 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 से ही पर ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है, ये ओवरकम करने वाली एनर्जी है। और ये एनर्जी गाइस ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अब धीरे धीरे अपने डार्क फियर को फेस करने के बाद में स्ट्रेंथ लेते हुए नज़र आते हैं, ओके। एंड व्यूअर्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कार्ड है आपसे एक बात करता है रिबिल्ड की, यानी कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन को अब आके ये फील होने लगा है कि अगर उन्होंने इस कनेक्शन पे वर्क नहीं किया, ठीक है, तो समवेयर ये कनेक्शन इनके हाथों से निकल जाएगा या इनका भाग्य इनके हाथों से निकल जाएगा। ये कार्ड व्यूअर्स दो तरह के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एक है टावर मूवमेंट को, ठीक है, टावर मूवमेंट के बाद में अगेन चीज़ें होपफुल होती हुई नज़र आ रही है, रीबिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, यानी कहीं ना कहीं जो डिजास्टर हुआ है, ठीक है, ये इस पर्सन के मन में वो चीज़ें बैठ गई हैं, अब इनको ये फील होने लगा है जैसे कि मतलब आगे आने वाले समय में अगर इन्होंने वर्क नहीं करते हैं, आपके साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं, तो ये अपनी डेस्टिनी के विरुद्ध जा रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन के विरुद्ध जा रहे हैं, अपने प्यार के विरुद्ध जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स यही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, फिलहाल इस पर्सन के मन में इस समय एक डर है जो बहुत स्ट्रांग है आपको खो देने का, क्योंकि अब आपको खो देने का डर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपको ये अब आपके पर्सन जो है वो पाना चाहते हैं, पहले नहीं पाना चाहते थे, पहले नहीं था इनके मन में आपको लेके इतना ज़्यादा अटेंशन और अट्रैक्शन वगैरह, लेकिन राइट नाउ इनके मन में है। जब किसी कहते हैं ना किसी को पाने की चाहत बनती है तो उसको खोने का डर भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो बस वही इस पर्सन के साथ में करंटली होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने डार्क फियर को ही फेस कर रहे हैं, और डार्क फियर इनका बहुत इनको डरा रहा है, ठीक है। और ये व्यूअर्स इन्हीं चीज़ों को लेके मुझे यहाँ पे सबसे पहले ही पहला कार्ड आया था आपके लिए मैनिफेस्टेशन का, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। कनेक्शन जैसे ग्रोथ हो जाए इस कनेक्शन के अंदर, आप दोनों फिर से एक हो जाए, तो आप दोनों का फिर से जैसे कि मिलन हो जाए, है ना। ये कनेक्शन में व्यूअर्स मुझे शाइन की एनर्जी दिख रही है जो समवेयर रिप्रेजेंट होप, ठीक है, होप को दिखा रही है, यानी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो यही चाह रहे हैं, ये जो कनेक्शन है अब डिवाइन यूनिवर्स ही कहीं ना कहीं या तो आप दोनों को एक कर दें या फिर कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाए जिससे आप दोनों एक हो जाएं और इस कनेक्शन का जो मेन टारगेट है वो अचीव हो सके। मेन टारगेट है सक्सेस, मेन टारगेट है अपनी लाइफ में आपका हो जाना, आपको आपको अपनी लाइफ में देखना, आपको आपके साथ में अपनी लाइफ को इन्जॉय करना, जीना, रियूनियन, बिल्डअप, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ जैसे कहते ना, देख रही हूँ एक दूसरे के अंदर कैसे ये दोनों पत्ते लिपटे हुए हैं, तो जस्ट वैसी एनर्जी आपके पर्सन यहाँ पे मुझे मैनिफेस्ट करते हुए आपके लिए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दे वॉन्ट योर लव, बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन है यहाँ पे। और देख लेते हैं और क्या मैसेज आपके लिए हैं।
मैं यहाँ से कुछ चैनल मैसेज आपके लिए लेने वाली हूँ, ठीक है? देखते हैं चैनल मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए चैनल मैसेज दीजिए। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ मैं और भी लेना चाहूँगी। मेरा दिल कर रहा है कि आपके लिए कुछ और भी मैसेजेस लूँ। ओके, नाउ इट्स इनफ, ठीक है? सो लेट्स सी। सबसे पहले ये वाले लेंगे जो अपने आप आए हैं। सबसे पहला कार्ड है वी आर मिसिंग ईच अदर। जैसे आप मुझे मिस कर रहे हो ना, आपके पर्सन कह रहे हैं मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, ये आपके पर्सन कह रहे हैं। आई फॉरगिव यू, आपके पर्सन व्यूअर से आपकी कोई आपने कोई बात हो सकता, कोई ऐसी बोली, कोई एक्शन ऐसा लिया हो, तो पर्सन आपके कह रहे हैं कि ठीक है मैं उस बात को भी इग्नोर करने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे। या फिर आप कह रहे होगे कि ठीक है भाई मैं तुम्हें इग्नोर कर दे फॉरगिव कर देती हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। मतलब इस तरह से वो जो बातें हुई हैं हम दोनों के बीच में, जो मैंने बोला था आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है जिससे बैलेंस नहीं बन पाया और आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे कि यस उसको लेके माफ़ी वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुम मेरा बेटर हाफ हो। बेटर हाफ पता है किसे कहते हैं? पता ही होगा, है ना? जो इंसान एक शरीर का आधा हिस्सा, या फिर हम समवेयर उसको हस्बैंड या वाइफ कहते हैं, दिस इज़ माय बेटर हाफ, है ना? ये वो है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपको छोड़ के जाने के ऊपर बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो आप कह रहे हो चलो ठीक है मैं फॉरगिव कर देती हूँ, कर देता हूँ, और आपके पर्सन कह रहे हैं मुझे फॉरगिव कर दो। तो दोनों तरह से फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पर आती है, ठीक है? तो आप ये समझ सकते हैं नथिंग इन माई लाइफ इज़ सेम विदाउट यू। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में कुछ भी सेम नहीं है जिससे पहले था, अब कुछ भी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं इस पर्सन के अंदर भी, सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी, फीलिंग्स के अंदर भी। तो फीलिंग्स समवेयर ऑल्सो कुड, हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो फीलिंग्स है आपके पर्सन के दिल में जैसे पहले थी आपसे दूर भागने वाली, वो अब यहाँ पे चेंज हो रही हैं, ठीक है? आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी। आपके पर्सन आपको अपने जस्ट सामने देखना चाहते हैं बराबर में। ओके, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। सोशल मीडिया पे हो सकता है कोई शो ऑफ वगैरह कर रहे हैं आपके लिए, कुछ मैसेजेस छोड़ रहे हैं, कोई स्टेटस लगा रहे हैं, कोई टैग कर रहे हैं आपको, या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है? समवेयर कोई गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, तो वो मैसेज है ये, ठीक है? एंड माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। आपके साथ में जो दिन गुजारे थे वो दुनिया के लाइफ के सबसे बेहतर दिन थे। मैं आपको प्यार करे बिना रह नहीं सकता, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है? आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बातें करना, आपसे कनेक्ट होना। आपके पर्सन को इस समय बहुत ज़्यादा जैसे कि फील करवा रहा है एक अकेलापन, ठीक है? इनके पास में बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? ये आपको बहुत कुछ कह देना चाहते हैं, अपने दिल की हर एक बात आपको बता देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए व्यूअर्स आपके पर्सन वही करेज, वही फियर फैक्टर जो हमने बात करी थी, वो यहाँ पे स्ट्रेंथन को अपनी कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज, आई डोंट वॉन्ट हाइड दिस लव। वो इस प्यार को जो उनके दिल में है, जो प्यार आप दोनों के बीच में, उसको और ज़्यादा छुपाना नहीं चाहते, या छुप छुप के मतलब इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, या जैसा भी आप समझो कि अपनी फीलिंग्स को आप तक रिप्रेजेंट करना चाहते, जैसे फीलिंग्स को बहुत समय से कंट्रोल हो सकता कर रहे हों, कि आ गया है वो वक्त कि अब आपको अपने दिल की बात ये बता दें आपके पर्सन, ठीक है? तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपके लिए एक ये बात बोलूँगी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में अब ये आ चुका है, मन बना चुके हैं कि अब वो इस कनेक्शन को लेके अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन समवेयर ये फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही अट्रैक्शन क्रिएट करने वाली एनर्जी है। ओके, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे और वीडियोज़ के लिए वीडियो को क्लेम करें, ठीक है? पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो दिए हुए नंबर पर आप मुझे अप्रोच करें। ओके, सो व्यूअर्स ये थी आपकी रीडिंग। सो बाय, टेक केयर।